रोटी को इस तरह से रखेंगे। अब हम इसके ऊपर बॉल फेंकेंगे। आप देख सकते हैं पट्टी गिर चुकी है। अब हम इसी तरह दोबारा करेंगे। अब हम इसके ऊपर बॉल फेंकेंगे। अरे ये पट्टी दोबारा गिर गई। अब हम पट्टी के ऊपर कागज रखेंगे। अब हम इसके ऊपर बॉल फेंकेंगे। आप देख सकते हैं पट्टी नहीं गिरी। ऐसा क्यों हुआ मैं बताती हूँ, क्योंकि इस कागज की सतह बड़ी है और इसके ऊपर हवा का दबाव है, इसलिए पट्टी नहीं गिरी। अब हम इस कागज को इस तरह मोड़ लें, फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस कागज को इसके ऊपर रखेंगे। अब हम बॉल को इसके ऊपर फेंकेंगे। आप देख सकते हैं पट्टी गिर चुकी है। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कागज की सतह छोटी है, इसलिए इस पर हवा का दबाव कम है, इसलिए पट्टी गिर गई। इससे हमें यह मालूम होता है कि हवा